इतने लोग परेशान हैं। इधर जो देखो ना, सुबह के आगे लोग बैठे हैं हमारे दरवाजे पर, लोग बैठे हुए हैं, आदमी बैठे हैं, ना इधर से कोई औरत गुजर जाती, ना कोई जवान लड़की गुजर, ना हमारे स्कूल बच्चे जा सकते हैं, ना दोबारा वापस आ सकते हैं। ऐसा मसला बना हुआ, हम लोग दिन में परेशान, रात का सुबह नौ बजे बंदे इधर आके बैठ जाते हैं, दो तीन बजे तक इधर ये पोजीशन बनी हुई है कि ना इधर से कोई औरत गुजरती है, ना कोई बंदे गुजर। देखो क्या हाल बना हुआ है हमारा, पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरा ना कि गाड़ी गुजरती है, इनको ना कोई एमरजेंसी है, ना हम कुछ कर सकते हैं। देखो लड़ाई झगड़ा इधर, कोई औरत गवाह हो सकती, बच्ची गवाह हो सकती है, सुकून क्या क्या नहीं हो सकता। रोजाना नए बंदे आन के हमारे दरवाजे पर बैठ जाते हैं, शिफ्ट कर दिए जाए किसी दफ्तर, या इधर सिक्योरिटी वाला बाहर बैठा, इधर गली में कोई ऐसा मोटरसाइकिल को बंदे उनको बैठे ना हो, या शिफ्ट हो जाए। सैल की बीबियां बड़ियां तंग कर दी, घर घर दरवाजा खड़का, लोगों का जीना हराम, इन्होंने दफ्तर वाले ने किया हो। दसो कि पास जान मिले वाले, ना कोई साइकिल लंघ सकता, ना कोई बच्चा लंघ सकता, ये किधर जाइए पहले मैंने ये दसन ना कि बंदे बेनती दफ्तर इतों बाहर कढ़न है, ना कोई गड्डी, जे किसी की गड्डी आई ना कोई गड्डी मोड़ से खड़ी करते, एक बंदा भी सिक्योरिटी वाला रखिए असं है। हाँ जी महल में महल जे इन्ह का कोई मुलाजम है पुछिए गल पेंदे ने, तुम मामे लगते कहते महल वालू असं किराया दें, अं फलाना काम करते, टमकाना करते हैं, ये महल वाले नक नक आए हुए, इन्होंने बेनती दफ्तर बाहर होना चाहिए। बस मैं परेशान हाँ, साडा मरीज परसों चौथ बीमार होया, एम्बूलेंस आई है, वो भी नहीं असं ले जा सके, 15 मिनट सानू इतने ही इन्होंने कपाई रखे, नहीं तो इन्होंने को पुछ लवो जिन्ने भी दुनिया खलोती है कि किन्ने परेशान है, तो इन्होंने ये कहो कि सानू ना इस मुसीबत तो सानू निजात दिलाओ, किसी तरीके नाल दिलाओ, ये दफ्तर नू किते आउट करो। इसमें इस टाइम सबसे बड़ा जो मसाला हमारे लिए ये बना हुआ है कि इसमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे बच्चे बाहर नहीं आ सकते, स्कूल नहीं जा सकते, हमारे घर के बाहर ये बहुत ज़्यादा रश है, हम लोग जहनी तौर पर अजियत में आ चुके हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। काइंडली हमारी इस जो भी हमारे इधर ऑफिसर हैं जो हमारी इसको रेगुलेट करते हैं चीज़ को, जिनके अंदर ये अथॉरिटी है कि इसको शिफ्ट कर सकेंगे, इसको कन्वर्ट कर सकेंगे किसी और जगह के ऊपर, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है पूरे मोहल्ले कि इसको काइंडली शिफ्ट किया जाए। इसको हम ये अपील करते हैं अपने MLA ब्रिगेडियर याशा साहब के भी कि इसमें इन्फ्लुएंस लें, अपना थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट लेके काइंडली इसको शिफ्ट करवाएं। ब्रिगेडियर साहब हैं हमारे अहले मोहल्ला, हम उनके वोटरान हैं, उनके वोटरान हैं हम उनके वोटरान भी हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस के ऊपर चले हमारी रिक्वेस्ट कर लें हमारी तरफ से DCO साहब को कि इनको वक्ती तौर के ऊपर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, एक दो दिन के अंदर इनको शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी जीवन बन गई हुई है, हमें इस टाइम इन्होंने जहनी मरीज बना दिया हुआ है पूरे मोहल्ले को, ना हम निकल सकते हैं हमारे बच्चों को, ना हम बाहर आ सकते हैं, हमारी औरतें महफूज नहीं है घर के अंदर, और कोई बंदे सो दुश्मनी वाले इधर हमारे घर में मोहल्ले में रह रहे हैं, कुछ सो सिक्योरिटी थ्रेट है उनको, कुछ कल को कोई मसला बन जाए, कोई यहाँ पे कत्ल वारदात हो जाए, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कोई बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कल को, इधर कल को एक मोहल्ले में मोटरसाइकिल चोरी हुआ है बंदे का, वो बेचारा घूम रहा है, किसने उठाया किसने लाया, सुबह से लेकर शाम तक इधर आके बंदे बैठ जाते हैं, पूरा दिन इस मोहल्ले को वॉच करते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी घर में औरतें हैं बच्चे काम को चले जाते हैं, सुबह से शाम तक वो घर में नहीं आते, पीछे मोहल्ला ये सारा जो मोहल्ला है ये है इन बंदों की स्कूल, इतना क्राउड है यहाँ पे, 1 से 2 हज़ार का क्राउड है जो रोज इधर आके बैठ जाता है, और सुबह बजे टाइम वो इधर आ जाता है और शाम को मगरब टाइम वो यहाँ से जाता है, और कंसिस्टेंटली ये काम पिछले 8 महीने से हो रहा है, हमने इनके ओनर्स को भी रिक्वेस्ट की है कि इनको काइंडली शिफ्ट करवा दें, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं किया, हमने इनके ऑफिसर्स को भी कहा है जो इधर बैठे हैं सिटिंग ऑफिसर्स, इनके डायरेक्टर सबको कहा है, लेकिन उन्होंने भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है DCO साहब से, DPO साहब से, ब्रिगेडियर साहब से कि इसको काइंडली यहाँ से शिफ्ट करवाएं। ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਓ, DCO ਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜੇ ਉਹ ਮਸ਼ਰ ਕਲਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਥ੍ਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰਾ ਰਲਿਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਊਡ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲਿਆ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਸ਼ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ।
अल्लाह के वास्ते नबी के वास्ते डीसीओ साहब को रिक्वेस्ट है भी साड़ी इस मुसीबत तो जान छड़ाई जाए, इस दफ्तर को किसी होर जगह से शिफ्ट किया जाए। दरवाजा नहीं लाते, हट के खलोवो हट के खलोवो पाली वाला है। ज्यादा ने मल्ले आले सुन ज्यादा परेशान, वो भी बच्चा तो भी तंग ने, आप भी तंग ने, बुआ मालके से गरीब बंदे खलोते हो किनू आखन वो वग जाते तो दुनिया बीबिया बहन उ खलोतिया रहा बाहर तो बच्चों लैके हो सानू पाला पाला ही है तो गल ही नहीं ने सुनी पाला ही चक्कर है साडा मसला ही है गरीब है पैसा पाते आया। हाँ सर्वे सर्वे करवा। हाँ जी हाँ जी।